प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हिंदी व्याकरण में हमारा पाठ संख्या 16 चल रहा था, जिसमें हमने कारक के बारे में जाना कि कारक कहते किसे हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, और हमने कारक के बारे में चर्चा भी कर ली कि कौन से कारक की कैसे पहचान की जाती है। तो इसका हमारा जो रीडिंग का पार्ट था वो कम्प्लीट हो चुका। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो आप अपनी जो बुक है व्याकरण की, हिंदी व्याकरण, सुगम हिंदी व्याकरण, इसमें पेज नंबर आपका है 91, 91 नंबर पेज पे हम प्रश्न हैं जो इनको करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। वाक्यों में आए कारक के सही भेद पहचानकर टिक का निशान लगाइए। यहाँ आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है और उसके सामने कारक दिए हुए हैं। तो आपने वाक्य में पढ़ना, वाक्य को पढ़ना है और फिर पहचान करनी है कि उस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमने कारक, अगर आपने कारक अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य क्या है हमारा। मोहन ने बांसुरी बजाई। अब देखिए यहाँ मोहन ने बांसुरी बजाई, इसमें पहला शब्द क्या है हमारा, विभक्ति चिन्ह क्या है, ने विभक्ति चिन्ह आ रहा ना। मोहन ने बांसुरी बजाई, किसने बांसुरी बजाई, मोहन ने। हमने किस, हमें किसने का उत्तर मिल रहा है तो वो कौन सा होता है, कर्ता कारक। जहां हमें किसने का उत्तर मिले वो हमारा कर्ता कारक का आंसर होता है। और कर्ता ने, हमने विभक्ति चिन्ह के बारे में भी चर्चा की थी ना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान का के की नानी नी ना नी ने, इस तरीके के विभक्ति चिन्ह थे। तो यहाँ हमें ने बांसुरी किसने बजाई, मोहन ने बजाई। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक। ठीक है, अगला देखिए। माताजी ने बच्चों के लिए खाना बनाया। माताजी ने बच्चों के लिए खाना बनाया, किसने बनाया, माताजी ने बनाया, किसके लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया। तो यहाँ हमारे देखने में वैसे तो हमारे दो कारक हैं, लेकिन यहाँ देखिए आपको कर्ता कारक नहीं दिखाई दे रहा ना। अगर हमें ऐसा ही होता है एग्जाम में, अगर हमारे पास जिस तरीके से दो विभक्ति चिन्ह आ गए, यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ विभक्ति चिन्ह दो आ रहे ना, लेकिन हमारे ऑप्शन में एक तो कर्म कारक है, एक संप्रदान कारक है, कर्म कर्ता कारक नहीं दिया हुआ ना। तो इसी तरह आपको एग्जाम में मिलेंगे कि जहाँ दो विभक्ति आ रही है वहाँ आपको दूसरा कारक नहीं मिलेगा, आपको उनमें से एक ही कारक मिलेगा। तो अब यहाँ किसने खाना बनाया, माताजी ने बनाया, किसके लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया। तो किसके लिए, यहाँ भी हमें क्या आंसर मिल रहा है, किसके लिए आंसर मिल रहा है। तो माताजी ने खाना बनाया किसके लिए, बच्चों के लिए। तो माताजी क्या कर रही है, संप्रदान कर रही है, यानी कुछ देना, कुछ घट रहा है। तो माताजी काम कर रही है तो खाना क्या है हमारा, घट रहा है। तो वहां क्या हो जाता है, जहां कोई चीज घटती है तो वहां क्या हो जाता है, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाता है। के लिए जो शब्द है वो किसका विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का। ठीक है, अगला है, राधा की बहन घूमने गई। किसकी बहन घूमने गई, राधा की बहन। अब राधा का किसके साथ संबंध है, अपनी बहन के साथ। बहन का किसके साथ संबंध है, राधा के साथ। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, संबोधन और संबद्ध कारक। संबोधन में क्या होता है, किसी को बुलाना, तो वहां संबोधन कारक होता है, या कोई आश्चर्यचकित वाली बात होती है, दुख वाली बात होती है, अचंभित करने वाली बात होती है, तो वहां तो संबोधन कारक होता है। और जहां एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाया जाए वहां संबंध कारक होता है। तो यहाँ राधा और उसके बहन का आपस में संबंध है, तो यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, अगला है, चाचा जी कलम से लिखते हैं। चाचा जी किससे लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। तो कलम क्या है हमारा, यहाँ अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो चाचा जी कलम से लिखते हैं, सॉरी चाचा जी कलम से लिखते हैं। तो यहाँ हमारा विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। तो से विभक्ति चिन्ह किसका उदाहरण होता है, कर्म कारक का या अपादान। अपादान में तो क्या होता है, दान दिया जाता है, यानी कुछ दिया जा रहा है। चाचा जी कलम से लिखते हैं, तो किससे लिख रही है, कलम से लिख रही है। तो यहाँ
करण कारक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे बिस्तर पर बैठे हैं, बच्चे बिस्तर पर बैठे हैं, बच्चे कहाँ बैठे हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, करण कारक होगा या फिर अधिकरण कारक होगा, या विभक्ति चिन्ह क्या है, पर है, विभक्ति चिन्ह क्या है यहाँ, पर है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान का के की ओरे संबंध नानी मेरे ओरे संबोधन सॉरी अधिकरण में ओरे पर, अधिकरण में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है, तो यहाँ हमारा क्या लगा हुआ है, परण, तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, अधिकरण का हो गया। अगर आपको ये विभक्ति चिन्ह अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, आप इनको बिल्कुल सही करोगे, आपको विभक्ति चिन्ह तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा अधिकरण का। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दो, कोष्ठक में दिए गए उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको उचित कारक चिन्ह ढूंढना है, क्या ढूंढना है, उचित कारक चिन्ह ढूंढ के फिर यहाँ वाक्य को पूरा करना है, ये तो बिल्कुल आसान है। तो हमें वाक्य के अकॉर्डिंग कारक को ढूंढना है, मुझे रास्ते खाली जगह दोस्त मिल गया, ने या मे, आप यहाँ उसको सेट करके देख लीजिए शब्द को, मुझे रास्ते ने दोस्त मिल गया, ये तो सही नहीं बन रहा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मुझे रास्ते में, अगर हम यहाँ में शब्द लिखते हैं तो हमारा क्या है, वाक्य बिल्कुल सही बनता है, जैसे कि मुझे रास्ते में दोस्त मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, पेड़ खाली जगह पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या पेड़ पर पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ के ऊपर तो गिरते नहीं है, तो क्या होगा यहाँ, पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, आगे है हमारा हाथी खाली जगह सेना खाली जगह कुचल दिया। अब यहाँ आपको अलग अलग कारक दिए पर और ने को और पर, तो हाथी ने क्या कर दिया, हाथी ने सेना को कुचल दिया, हाथी ने सेना को कुचल दिया, इस तरीके से आपने इसे कंप्लीट करना है। अगला है खाली जगह प्रभु हमारे अवगुणों खाली जगह नाश कीजिए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, संबोधन कारक आएगा यहाँ, हे प्रभु हमारे अवगुणों का नाश कीजिए, हे प्रभु हमारे अवगुणों का नाश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, आज खाली जगह युग खाली जगह लक्ष्मण जैसे भाई नहीं होते, आज के युग में लक्ष्मण जैसे बाही नहीं होते, तो हमारे क्या शब्द बन गए, पहला हमारा क्या वाक्य बन गया, मुझे रास्ते में दोस्त मिल गया, तो मैं उपसर्ग का प्रयोग मैं कारक का प्रयोग करेंगे, यानी जो विभक्ति चिन्ह है मैं विभक्ति चिन्ह लगाएंगे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं से विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हाथी ने सेना को कुचल दिया ने और को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हे प्रभु हमारे अवगुणों का नाश कीजिए, हे का प्रयोग करेंगे और का प्रयोग करेंगे, आज के युग में लक्ष्मण जैसे भाई नहीं होते, तो के और में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या तीन, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, क्या करना है, उचित कारक के साथ आपने इसका मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीन। तो पहला वाक्य देखिए, इसमें क्या है, मीरा ने वीणा से धुन निकाली, मीरा ने क्या किया, वीणा से धुन निकाली, कहां से धुन निकाली, वीणा से, किसने, मीरा ने, अब यहाँ ने और से दोनों विभक्ति चिन्ह आ रही हैं, तो कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने किसने किया, मीरा ने वीणा से धुन निकाली, किससे धुन निकाली, वीणा से, तो यहाँ दो काम हो रहे हैं, क्या कर्ता कौन है, मीरा, और काम किससे कर रही है, वो वीणा से काम कर रही है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, करण कारक का उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है किसका प्रयोग किया उसने धुन निकालने के लिए, वीणा का प्रयोग किया, इसलिए हमें यहाँ करण कारक के साथ इसका मिलान करेंगे। अगला है गीता राधा से चतुर है, गीता राधा से चतुर है, कौन चतुर है, गीता, किससे, राधा से, तो इसलिए ये हमारा यानी गीता और राधा का आपस में संबंध हो रहा है ना, कि गीता राधा से चतुर है, तो ये हमारा हो गया संबंध कारक का उदाहरण। दादाजी छत पर बैठे हैं,
दादाजी कहाँ बैठे हैं? छत पर बैठे हैं। तो पर बैठे हैं, पर किस कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक का। किसका? अधिकरण का। मैं सीता के भाई के साथ गया। अगला वाक्य है हमारे पास, मैं सीता के भाई के साथ गया। तो यहाँ क्या है, मैं सीता के भाई के साथ, मेरा संबंध किसके साथ है? सीता के साथ। और सीता किसके साथ गया? सीता किसके साथ गई? सीता के भाई के, मैं सीता के भाई के साथ गया, यानी उनका, ये तो इसका संबंध हो गया आपस में और ये इसका संबंध हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा संबंध कारक का उदाहरण हो गया। ठीक है, पेड़ से फल गिर रही है। पेड़ से क्या गिर रही है? फल गिर रही है, यानी कुछ कर्म हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा करण कारक का उदाहरण हो गया। ठीक है, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, सॉरी इसमें ये हमने गलत कर दिया। पेड़ से फल गिर रहे हैं, क्या हो रहा है? अपादान हो रहा है, यानी दान कर, पेड़ किसको? धरती को अपने फल दान कर रहा है, तो यानी कम हो रहा है। तो यहाँ हो गया हमारा अपादान कारक का उदाहरण। पेड़ से फल का गिरना क्या होता है? पेड़ से पत्ते गिरना, वो किसके उदाहरण होते हैं? अपादान कारक के उदाहरण होते हैं। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, जैसे कि आपने, मैंने बोला था ना कि विभक्ति चिन्ह कैसे होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, करण से। तो ये क्या हो गया, हमारा करण कारक का उदाहरण होगा। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, यानी क्या चीजें, दो चीजें यूज हो रही है ना। बच्चे किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से खेल रहे हैं, है ना। किसका प्रयोग कर रहे हैं? वो फुटबॉल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, करण कारक का उदाहरण हो गया। माता जी रसोई में खाना बना रही है। माता जी रसोई में खाना बना रही है। में और पर जो विभक्ति चिन्ह है वो किस कारक के उदाहरण है? किस कारक, ऐसे जो शब्द आते हैं वो किस कारक में आते हैं? अधिकरण कारक में आते हैं। तो ये हमारा अधिकरण कारक का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न करने हैं। तो हमारे ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट होके आगे के हम प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना और जो आगे बचे हुए प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।